नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात करेंगे कश्मीर के मसले पर विपक्ष की भूमिका पर। जम्मू कश्मीर के बंटवारे और अनुच्छेद 370 को बेअसर किए जाने के मुद्दे पर संसद से सड़क तक विपक्षी दलों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। संसद में 370 पर वोटिंग के दौरान विपक्ष बंट गया, कई विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हो गए। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे कश्मीरी नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर भी विपक्ष का बड़ा हिस्सा खामोश रहा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कश्मीर पर विपक्ष बटा हुआ है, और बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष कश्मीर पर अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा रहा है। इस मुद्दे पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार निर्मल पाठक, हमारे साथ जुड़े हैं थिएटर के जाने माने अभिनेता निर्देशक एम के रायना, और टेलीफोन पर जम्मू से हमारे साथ जुड़ रही हैं कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन जामवाल। लेकिन चर्चा से पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर राहुल गांधी और सूबे के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आमने सामने हैं। ट्वीट के जरिए दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी कश्मीर दौरे पर जाना चाहते हैं, तो राज्यपाल का कहना है कि कांग्रेस सांसद राजनीति कर रहे हैं। राहुल का कहना है कि विपक्षी नेताओं को बिना शर्त कश्मीर जाने और वहां के लोगों से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए। खुद गवर्नर साहब 4 अगस्त को कहते हैं कि 35A और 370 पर कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं। तो ये जो कंफ्यूजन दर कंफ्यूजन पैदा हुआ, उस संदर्भ में जब राहुल जी का ट्वीट आया, उस रिट्वीट विद कमेंट्स में ये बात कही गई, इसको सटायर और ह्यूमर में लीजिए, जो हमारे समकालीन दौर का एक प्रकार से सच भी है। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और आनंद शर्मा जैसे कांग्रेस के कई और दिग्गज नेताओं ने भी कश्मीर पर सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल जो वहाँ के वोटर भी नहीं है, निवासी नहीं है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये अधिकार दे दिया और उस पर सारी कार्रवाई होगी। हमारी आपत्ति इस पर है। वामपंथी पार्टियां आरजेडी और डीएमके भी पहले दिन से ही कश्मीर को बांटने और अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मुद्दे पर सरकार का खुलकर विरोध कर रही हैं। एक बात तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि पोजीशन वहां सामान्य नहीं है। जो सरकार अजीत डोभाल को भेजकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ सामान्य है, वो तो सरकार ने अभी खुद स्वीकार किया है वो नहीं है। लेकिन सरकार से सवाल पूछने वालों की फेहरिस्त से विपक्ष के कई दिग्गज चेहरे गायब हैं। बीएसपी, आम आदमी पार्टी, बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी जैसे कई विपक्षी दल तो कश्मीर पर मोदी सरकार का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी का रवैया तो बेहद उलझन भरा है। वो ना तो कश्मीर पर खुलकर सरकार के पक्ष में खड़े हैं और ना ही उसकी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विपक्षी दलों का मौजूदा रुख कई अहम सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल ये कि क्या कश्मीर के मुद्दे पर विपक्ष संसद से सड़क तक बटा हुआ है, क्या विपक्ष के एक बड़े हिस्से ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि कश्मीर के मामले में क्या विपक्ष अपनी सही भूमिका निभा पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विनोद, आप बताइए, क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर विपक्ष के नेता कश्मीर जाने से भी कतरा रहे हैं और कड़े सवाल पूछने से भी कतरा रहे हैं और सड़क पे आने से भी कतरा रहे हैं? ये ठीक नहीं है आपकी बात। और आजकल थोड़ा फैशनेबल है कि विपक्ष पे ही सब लानत भेजी जाए। शुरू में गुलाम नबी आज़ाद गए, वहाँ पर उनको अंदर नहीं जाने दिया। सीताराम येचुरी गए डी राजा के साथ, उनको अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद राहुल गांधी की बहस चल रही है गवर्नर के साथ कि वो जाना चाहते हैं बिना किसी शर्त के, और गवर्नर ने कहा है क्योंकि आपने शर्त लगाई है कि वहाँ पर आप नेताओं से मिलना चाहते हैं, तो वहाँ भाई पहलगाम जाने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलने के लिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये सरकार की एक बड़ी भारी गलती है कि वो इन लोगों को अगर अंदर जाने देगी तो एक बात तो साफ हो जाएगी कि सरकार कुछ छुपाना नहीं चाहती है, और दूसरा कि पूरा देश इस मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर एक साथ है। उसमें डिफरेंस ऑफ नुआंसेस है, जो पोजीशन ली गई है वो कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में जो विभिन्न आवाज़ें उभरी 370 पर, वो आवाज़ें
कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं थी कि जिस तरह से उन्होंने 370 हटाया, सिर्फ इस बात पे थी कि 370 को जाना चाहिए था, लेकिन उसको हटाने का तरीका मींस टू द एंड जिसके बारे में गांधी जी बहुत बात किया करते थे उस पे तवज्जो दिलाने की कोशिश। अगर आप CWC का रेजोल्यूशन पकड़े उस पे नहीं जाते हैं कि प्रोसेस पे थे। नहीं, मैं मानता हूं, मैं कुछ और कहना चाहता हूं, लेकिन सरकार से भिन्न नहीं थे। देखिए CWC की पोजीशन देखें आप, उसमें CWC की जो रेजोल्यूशन है अगर आप उसको आईन के तराजू में तोलेंगे तो वो भारी पड़ेगी सरकार की पोजीशन से। उसमें लिखा गया है कि आप अगर इसको अमेंड करना चाहते थे तो उसको अमेंड करने का एक तरीका था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था। प्रोसेस पे है सारी, सारा विरोध प्रोसेस पे है, और प्रोसेस ही डेमोक्रेसी चलाती है। यानी ऑटोनॉमी का कांग्रेस भी विरोध करती है? नहीं, या 370 के अंतर्गत जो ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए थी, जो ले ली गई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस से, उसके फेवर में थी कांग्रेस पर प्रोसेस के खिलाफ थी? मैं कुछ और कहना चाहता हूं, देखिए 370 पे भारत बहुत कंफ्यूजन है। नहीं, मैं 370 पर नहीं जा रहा, उधर जाना नहीं चाहता। क्या विपक्ष वो सब कुछ कर रहा है जो उसे करना चाहिए? एमके रैना, आप बताइए, आप कश्मीरी हैं, आप बताइए, क्या आपको लगता है विपक्ष अपनी भूमिका सही तरीके से अदा कर रहा है? क्या उसको सड़क पे आना चाहिए था? क्या उसको कोई नए तरीके इस्तेमाल करने चाहिए थे अपनी बात कहने के लिए कि केवल ट्विटर से काम चलेगा? पॉलिटिकल पार्टी ट्विटर से चलती है क्या? देखिए, एज अ कश्मीरी मैं कहूँगा कि अपोजिशन पार्टी खास कुछ नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि कश्मीरी जिनसे मेरा ताल्लुक है वहाँ वादी में भी, ऐसा लगता है कि वो अकेले पड़े हैं, उनका कोई है ही नहीं आज हिंदुस्तान में जो उनकी बात करे। हटाना ना हटाना वो कानून जानी, लेकिन इस वक्त जो वहाँ लॉकआउट है, जिस तरह से बिल्कुल ही कुछ पता नहीं है आपको के अंदर क्या हो रहा है, वो स्थिति आने के लिए कश्मीरी ये सोच रहा है कि हमारा तो कोई था ही नहीं शायद से। लेकिन क्योंकि ये समझना, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट इन 1947 में दिल खोल के हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के साथ सामने आया, बाद में साइन हुआ, पहले पब्लिक ओपिनियन पूरा बना था जिसकी वजह से ये हो गया कि हम इंटीग्रेशन में आएंगे, एक कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा। यहाँ तक कि अगर आपको बता दें, मेरे बचपन में मेरे फादर बता रहे थे कि जब हिंदुस्तानी सोल्जर वहाँ लैंड किए, गले मिल रहे थे, लोग बता रहे थे शालटेंग वहाँ बिल्कुल श्रीनगर के पास ही जगह, जहाँ बिल्कुल पेरिफ्री पे थे तब, अब तो वो शहर से आगे बढ़ गया, वहाँ कबाली थे, तो ढूंढ ढूंढ के उनको पकड़वा के मरवाया। तो उनके लिए तो बड़ा बड़ा विश्वासघात है ये, इस तरह से करना है। एग्जीक्यूशन इज अ टू स्लॉटर एन एग्जीक्यूशन इज अ स्लॉटर। निर्मल, ये बताइए कि जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक ने कहा कि मैं हवाई जहाज भिजवाता हूँ आपको, राहुल गांधी को कहा, ये एक तरह का चैलेंज था, मजाक उड़ाने के लिए था कि आप आके जब तक देखेंगे नहीं कुछ नहीं होगा? ये सिंसियर था उनका ऑफर कि इनसिंसियर था जैसे कांग्रेस कह रही है? नहीं, राज्यपाल क्योंकि वो पुराने नेता रहे हैं जनता दल के, लोक दल के, उसकी उस तरह के उनका एक जो पृष्ठभूमि है वो उस तरह के उस पॉलिटिकल पार्टी के कल्चर में बड़ी और ढली हुई है। तो मुझे लगता है कि वो उसी हिसाब से अभी भी वो राज्यपाल की जो एक संवैधानिक पद की जिस तरह की गरिमा होती है उसके बाहर जाके वो बातचीत करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कारगिल में एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि ये आतंकवादी, इनको यहाँ बच्चों को क्यों मार रहे हैं, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नहीं मारते जिन्होंने लूटा है देश को। बाद में फिर उनको उसको अपना बयान उस पर उनको संशोधित करना पड़ा। तो वो इस तरह की बातें करते रहे हैं, और ये भी मुझे लगता है कि उसी सीरीज में था। इस तरह की बात एक गवर्नर के की तरफ से नहीं आनी चाहिए थी कि मैं वो राहुल गांधी आए, मैं उनके लिए जहाज़ भेजता हूँ। वो भेज भी नहीं पाएंगे क्योंकि जिस तरह से 370 पे जो फैसला हुआ उससे पहले दो दिन तक उनसे राज्य की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स वहाँ उनसे मिल रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल साहब को कोई उसके बारे में जानकारी भी थी। तो वो अगर भेजना भी चाहें तो मुझे लगता नहीं है कि वो भेज पाते राहुल गांधी के लिए अपना प्लेन। तो ये बहुत ही एक मजाक, मतलब पद का भी मजाक बनाने वाली बात थी, और पूरे एक जो इतना गंभीर मामला है उसको भी मजाक के तौर पर लेने वाली स्थिति थी। वो और भी कुछ कह के राहुल गांधी को चुप करा सकते थे या और उनको कुछ बयान उसमें दे सकते थे जिससे स्थिति और स्पष्ट हो सके या राहुल गांधी को समझा सकें, पर वो न करके उन्होंने अब वही नेताओं वाली एक बयानबाजी गवर्नर की तरफ से आई जो मुझे लगता नहीं है कि बहुत सही था। ठीक, अनुराधा, अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि एक बार जब निमंत्रण दे दिया गवर्नर साहब ने, राहुल गांधी ने कहा कि वो अन्य दलों के नेताओं के साथ वहाँ पे आना चाहते हैं, तो राज्यपाल ने अपना निमंत्रण वापस क्यों ले लिया? किस बात का डर था? आने देते? यही सवाल तो मेरे भी जहन में है कि अगर ये इतनी बयानबाजी करनी थी तो ये क्यों है कि कोई भी यहाँ से दिल्ली से जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जा रहे हैं उनको वापस क्यों भेजा जा रहा है, उनको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है, उनको अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा? और एक इतना एक ट्विटर पे एक किस्म का मजाक बनाकर एक ऐसी बात बोल के कि मैं आपके लिए जहाज भेजूंगा या आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो उसके बाद जब राहुल गांधी ने बोला मैं आना चाहूंगा और आराम से घूमना चाहूंगा, तो कम से कम एक गवर्नर की हैसियत से एक रिस्पॉन्सिबल जवाब, एक जिम्मेदार जवाब आना चाहिए था कि यहाँ पे हालात ऐसे हैं या वैसे हैं। वो नहीं उन्होंने दिया, वो बिल्कुल ही एक चुप्पी साध ली। तो ये कोई ठीक बात तो नहीं लग रही है। ठीक है विनोद, राहुल गांधी या अन्य विपक्षी नेताओं को गवर्नर साहब से निमंत्रण क्यों चाहिए, उनसे अनुमति क्यों चाहिए? मान लीजिए कि आपको नहीं मिलने देते हैं गिरफ्तार नेताओं के साथ, लेकिन आम जनता से तो आप मिल सकते हैं ना, तो जा क्यों नहीं रहे? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कौन सा इन्विटेशन चाहिए? कोई राजनीति ऐसा होता है जो इन्विटेशन? एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से प्रचार तंत्र पूरा प्रचार तंत्र इस देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर बिना उनको बताए अगर वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसका क्या, किस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तमाम मीडिया में, ये हमारे लिए गेस करना मुश्किल है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जाने के लिए ड्यू प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है उनके लिए। जहाँ तक ऑपोजिशन के लेट डाउन करने का सवाल है, तो फिर एक बात है कि जो पार्लियामेंट में बहस हुई भारत, उसमें जब ये दावा किया गया भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कि राम मनोहर लोहिया 370 के खिलाफ थे, कि अंबेडकर 370 के खिलाफ थे, ये सब जो दावे किए गए ये बेबुनियाद दावे थे, इतिहास उसका गवाह है। लोहिया जी एक कॉन्फेडरेशन की बात करते थे, अंबेडकर कहते थे कि जो मुसलमान इलाका है उसको तय करने दो उसने किधर जाना है, वो उनके और पाकिस्तान के बीच का मसला है, जम्मू और लद्दाख जो है वो भारत में मिला। आज के विपक्ष की बात तो मैं ये कह रहा हूं, आज का विपक्ष की बात नहीं कर रहा, आज के विपक्ष की बात कर रहा हूं, विपक्ष अपनी आज का भूमिका निभा रही है कि नहीं निभा रही, पार्लियामेंट में निभा दी, भाषण दे दिया बीएसपी, आज का बीएसपी अंबेडकर राइट है भाई, और वहां पर जो लोहिया के अनुयायी बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, मुलायम सिंह यादव वगैरह, समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी नेता भी कह रहे हैं आज के हम लोहिया के अनुयायी थे और 370 के खिलाफ है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मुख्य धारा के विपक्ष के नेता हैं, मैं अगर वो क्यों नहीं कश्मीर जा रहे हैं, ये कांग्रेस में, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा मैं उसको मानूं या CWC की रेजोल्यूशन को मानूं? CWC की रेजोल्यूशन तो बाद में आई जब उन्होंने देखा तरह तरह की आवाजें उठ रही हैं, आई तो सही, दबाने की लिखी हुई रेजोल्यूशन है, बहुत अच्छी बात है, उससे आगे भी तो बढ़ना चाहिए, उससे प्रस्ताव पास करने से कुछ नहीं। मैं बताता हूँ ना, आगे कहाँ बढ़े, मैं बताता हूँ। एमके रैना जुलाई 1977 में बेलची में मैसेकर हुआ दलितों का, ठीक है, इंदिरा गांधी ऑपोजिशन में थी, दिल्ली से निकली बिना किसी के परमिशन के, ट्रेन में गई, जीप में गई, खेतों में दलदल में पैदल गई, आगे नहीं जा पाई तो हाथी पे बैठ के वहाँ पे गई। आज उनका पोता कह रहा है कि आप मेरे को परमिशन दीजिए, गारंटी दीजिए। अभी क्या हो रहा है इस देश में? मुझे लगता है कि विपक्ष पार्लियामेंटेरियन ही जैसे बहस करेंगे, जो मेन स्पेस है उसमें कोई आ नहीं रहा है, वो स्पेस है लोगों के बीच में जाने के लिए। हमें एक आज़ादी से ही कुछ सीखना चाहिए। गांधी जी क्या करते, वो तो कहते मैं जा रहा हूँ, आगे देखेंगे बाद में क्या होता है, हिस्टोरिकली का राजनीति मोड़ लेगी, वो बात की बात है। आज कोई भी नेता मुझे नहीं लगता कि कंप्लेसेंसी है कि वो पब्लिक स्पेस में आएगा जब तक पूरी तरह से उसको सुरक्षित न माना जाए, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, ऐसे राजनीति नहीं चलती, और आजकल के ज़माने में बिल्कुल नहीं। जिस स्तर पर आज देश है, यू हैव टू ऑक्यूपाई द पब्लिक स्पेस, यू हैव टू टॉक ऑन द पब्लिक स्पेस। ये भी बताइए ना कैसे? आई थिंक द बेस्ट इज द सत्याग्रह।
आई थिंक वी हैव टू रिटर्न बैक टू गांधी प्रिंसिपल्स, दैट इज द ओनली प्रिंसिपल्स जो सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस पर है, सेक्युलरिज्म पर है और आपकी स्वदेशी पर है. आपको लौटना पड़ेगा उधर. हर बार मुझे मतलब मजाक ये हो रहा कश्मीर में कि यहाँ पर क्या क्या बनेगा. अब यहाँ पर यहाँ जितने भी कश्मीरी मुझे मिलते हैं, व्हाट इज द डेवलपमेंट बिजनेस. किसी भी को ये भी पता है कि वहाँ 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं. इतना सा छोटा स्टेट है और देर आर टूरिज्म पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस, देर इज नर्सिंग क्लास. इतना हर रीजन में यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ाई लिखाई है. डेवलपमेंट मेरी समझ में नहीं आता. आपके पास इंडेक्सेस सामने हैं, दे आर वेल ऑफ. वहाँ कोई भिखारी आपको मिलेगा नहीं सड़क पर सोता है, वो भी अपने घर में जाकर सोता है अगर भिखारी है तो. भिखारी भी वहाँ बाहर के हैं जहाँ तक मैंने देखा. हाँ, बाहर के हैं आपके जी. मैं तो ये कहना कि हम प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता जहाँ के वहाँ पे भिखारी मिलते हैं. लेकिन हम लेंगे अभी एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे. आप हमारे साथ बने रहिए. कहते हैं भारतीय संसद की रूपरेखा यहीं से ली गई थी. बादशाह जहांगीर को सिर्फ एक दिन ठहराने के लिए बना था ये महल. कहते हैं 12 कोस तक फैला है ये किला. एक ही पहाड़ी पर 77 जैन मंदिर, एक ही परिसर में 200 मंदिरों का समूह. ऐसे ही हैरान कर देने वाले स्मारकों से भरा है मध्य प्रदेश. देखना तो बनता है. वक्त के निशान, माध्यम मध्य प्रदेश की प्रस्तुति, स्वराज एक्सप्रेस पर. इस चर्चा में फिर से आपका स्वागत है. अनुराधा, आपने सबकी बात सुनी. आप क्या चाहती हैं, विपक्ष को क्या करना चाहिए? यदि आज दिल्ली में विपक्ष के नेतृत्व में 2000 आदमी या 20,000 आदमी या 50,000 आदमी मुंह पे पट्टी बांध के हाथ अपने बंद करके सड़क पे निकल पड़ते हैं, सत्याग्रह करते हैं, उसका कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कश्मीरियों को क्या लगेगा उसके बाद? देखिए, कुछ हद तक तो मैं सहमत रहना आपकी बात से कि सत्याग्रह की जरूरत है. लेकिन दो चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी. एक तो आज भारत में विपक्ष जो है वो वैसे ही स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत वीक विकेट पे है और अपने आप को एक ना रीडिफाइन कर पा रहा है ना एक जगह पे टिक पा रहा है. और ये मैं सारे विपक्ष की बात करूंगी. दूसरी चीज ये है कि आपने इंदिरा गांधी की बात की, तो इंदिरा गांधी जहाँ पे वो हाथी पे चढ़ के जा रही थी वो कश्मीर नहीं था. जब कश्मीर जब भी डिस्कशन में आता है तो उसके साथ खास तौर पे ये बीजेपी ने इस किस्म की एक धारणा बना दी है पूरे मुल्क भर में कि जो भी कश्मीर की बात करेगा वो देश के हित में बात नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है. तो इस किस्म के जो नैरेटिव और इस किस्म की धारणाएं जब बन जाती हैं तो जो पहले से ही दबी हुई और मरियल सी ऑपोजिशन है वो और ज्यादा चुप हो जाती है. तो सबसे पहली जरूरत तो ये है वो अपने आप को पहले स्ट्रेंथन करें, अपने आप को पहचाने वो कहाँ खड़े हैं और क्या चाहते हैं, और उसके बाद उस बेसिस पे फिर एक सत्याग्रह हो. विनोद जी ने कहा ये जो अंबेडकर आइट फॉलोअर्स हैं या राम मनोहर लोहिया फॉलोअर्स हैं, वो कहाँ उनके जो दिखाए हुए मार्ग थे उनसे बिल्कुल हट के दूसरी तरफ हो गए हैं. तो ये सब चीजें जब तक हम ये डिलेमास को नहीं रिजॉल्व करेंगे तब तक ये ऑपोजिशन से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती. ठीक है. निर्मल, सरकार से मांग की आनंद शर्मा ने कि आप सर्वदलीय बैठक बुला के हमें बताइए कश्मीर घाटी में क्या हो रहा है. अरे आप जाके पता करिए ना, सरकार तो आपको वही बताएगी जो पार्लियामेंट में बता रही थी, कोई नई चीज तो बताएगी नहीं, वही झूठ बोले जाएंगे जो संसद में बोले गए थे. तो आप सर्वदलीय बैठक की मांग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन का पॉलिटिक्स चलाना चाहते हैं और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हम कुछ कहेंगे तो लोग हमें पाकिस्तानी समझ लेंगे, जनता क्या सोचेगी, मूड के खिलाफ नहीं जा सकते जनता के.
ऐसे करके विपक्ष की राजनीति चलेगी क्या? देखिए, विपक्ष की अभी ये जो ताज़ा मुद्दा है कश्मीर का, उसमें आप जैसे कह रहे हैं एक सोल्यूशन आप दे रहे हैं कि वहाँ जाके अपोजिशन के लोग जाके वहाँ बैठ जाएं, धरना दें, कहीं पर भी एयरपोर्ट पे बैठ जाएं या जम्मू से आगे जाते हुए अगर उनको रोका जाता है तो वहीं बैठ जाएं। वो एक कुछ समय के लिए हो सकता है अभी थोड़ा बहुत इस इशू पे एक आध दिन की हेडलाइंस के लिए, लेकिन विपक्ष की जो विश्वसनीयता है वो कोई आज की नहीं, ये पिछले 5-6 साल से विपक्ष आपको कहीं जब ज़मीन पे नहीं दिख रहा है। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता पिछले 4-5 साल में गंवाई है। 370 पे जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी कोई आज ये पिछले 10 दिन में तो नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इसको कहते रही है, बालाकोट पे कुछ नहीं कर पाए, कश्मीर पे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आप सड़क पे जाने से डरते हैं और आप सोचते हैं कि विश्वसनीयता ऐसी बन जाएगी, ट्विटर से तो नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसीलिए अभी भी अगर जाके करेंगे तो उनको सुन कौन रहा है? और फिर जब पार्टी में से, आप ही की पार्टी में से, मुख्य विपक्ष की पार्टी में जब 370 पे एक राय नहीं है, एक मैसेज ये गया है कि 370 को कांग्रेस कार घुमा के पकड़ रही है, ये कह रही है कि नहीं प्रोसेस ठीक नहीं था पर जो किया वो ठीक है, तो उसमें किस तरह से पब्लिक आपके साथ जुड़ेगी? जिसको 370 को सपोर्ट करना है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आपके साथ कौन जुड़ रहा है उसमें? तो पूरे जो एक पूरे देश में जिस तरह का सेंटिमेंट बना है, कांग्रेस पार्टी या मुख्य विपक्षी दल, विपक्ष की सारी पार्टियां, ऑलमोस्ट सारी पार्टियां सरकार को सपोर्ट कर रही हैं, उसमें संसद में उन्होंने सपोर्ट किया है उनको, तो कांग्रेस अकेले इसको कहाँ तक ले जा सकती है? और ऐसे समय में जब आपके पास विश्वसनीयता बची नहीं, कोई विश्वसनीय लीडर नहीं है आपके पास, ठीक है, नहीं ले जा सकती, तो संन्यास ले लें राजनीति से। मैं विनोद आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए 20-30 नेता, मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग SPJ प्रोटेक्टिव हैं वो जाएं, 20-30 नेता जिनकी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, 370 भी छोड़ दीजिए, केवल घाटी के लोगों की हालचाल पूछने के लिए जाना चाहते हैं कि भाई आप इतने दिनों से अपने घरों में बंद हैं, आपके बच्चे बीमार होंगे, आपके यहाँ शादी ब्याह रुक गए हैं, आपको दवाइयाँ लेने में मुश्किल हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स है आपकी, ये जानने के लिए अगर पहुँच जाते हैं श्रीनगर और एयरपोर्ट से उन्हें वापस भेजने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो वहीं धरने पर बैठ जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, तो उससे क्या मैसेज जाएगा कि वो आप सोचते हैं करने लायक चीज़ नहीं है? आज के अखबारों में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को और समय देना चाहिए, और जो रिस्ट्रिक्शंस है जिसके बारे में आज इसके विरोध में आप और हम बात कर रहे हैं कि उन रिस्ट्रिक्शंस को प्रोग्रेसिवली हटाएं, अभी उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनको ज़्यादा जानकारी है, हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते। बहुत आप अच्छी मेरी बात समझ नहीं, राजनीति भी नहीं चलाए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राजनीति चलाएंगे? प्लीज अंडरस्टैंड, कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी परस्पर करती रही है टू पोलराइज पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया। पर कश्मीरियों का हालचाल पूछने से पोलराइज हो जाएंगे लोग, इसलिए हम अपने सिटीजंस का हालचाल पूछने नहीं जाएंगे। भाई ऐसा है, ऑलरेडी पोलराइज्ड, देखिए मेरी बात सुनिए जी, आप ये कह रहे हैं कि अब ऑपोजिशन जो है वो डेथ बेड तो है ही, अब वो डॉक्टरों को कहो कि हमारी मर्सी किलिंग कर दो। देखिए वक्त के हिसाब से राजनीति होती है, ये रियल पॉलिटिक है। आप अगर किसी मुद्दे पर सही पोजिशन ले रहे हैं और आगे वाले आने वाले वक्तों में ये जो सरकार का निर्णय है ये भारी पड़ता है, तो फिर आपके पास कुछ कहने के लिए तो होगा ना देश को कि हमने तो पहले उस वक्त भी आगाह किया था इनको कि भाई आप लोग सबको साथ लेकर चलें। ये कर्तव्य बनता है सत्तारूढ़ दल का कि सबको साथ लेके ऐसे कलिष्ठ मुद्दे पर चलें जिसकी रेपोकेशंस ना सिर्फ हमारे देश में होंगी बल्कि देश से बाहर भी हो सकती है। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो उनको करना था वो तो कर ही चुके। रायना साहब ये बताइए, आप गवर्नर सत्यपाल मलिक कह रहे हैं राहुल गांधी को और उनके द्वारा पूरे देश को भी कि अगर आपको कश्मीर की स्थिति देखनी है तो 20 TV चैनल हैं, TV चैनल देखिए। किसी गवर्नर की जो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करता रहा, ये हिम्मत कैसे हो सकती है कि चुने हुए राजनीतिक नेताओं को कहे कि आप यहाँ मत आइए, आप टेलीविजन पर देख लीजिए क्या हो रहा है, ये क्या मजाक है? पहले तो वो गवर्नर नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए हैं, वो तो अभी डिमोशन का भी हो गया, डिमोशन हुआ नहीं अभी, हो जाएगा। इसी मुझे लगता है इज अ वेरी नोवेस कश्मीरी पॉलिटिक्स को समझने में, उसकी शेड्स को समझने में। मैं पहला गवर्नर देखा हूँ, पिछले जो गवर्नर थे आपने कभी इतना स्टेटमेंट सुने उनके कभी नेवर, 10 years ही वॉज गवर्नर, वेरी पॉपुलर गवर्नर, उससे पहले भी जो गवर्नर अपना काम कर रहे थे, इज अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट देयर टू मी टॉक्स। जैसे उन्होंने भाई साहब ने कहा कि इतने स्टेटमेंट्स दे आर ऑल वोलेटाइल पब्लिक चैलेंजिंग स्टेटमेंट जो कि विपक्ष दे सकता है, गवर्नमेंट दे सकती है,
He is a constitutional head there. He is not supposed to do all these things. And he is really, मतलब एक एजेंडे के तहत शायद आए हैं तो उसका पूरा करने के लिए आए हैं, लेकिन प्रोवोकेट वो प्रोवोकेशन जो हो रहा है वो पब्लिक के जख्मों पर नमक ही छिड़ता है वहाँ, वो वहाँ कोई मलहम नहीं लग रहा है उनका। निर्मल, एक गवर्नर जो कश्मीरी नेताओं को साफ झूठ बोल सकता है एक दिन पहले कि 370 पे कुछ नहीं हो रहा, 35A पे कुछ नहीं हो रहा, उसकी बात पर या उसके कहने पर कि टीवी चैनल देख लीजिए या सब स्थिति सामान्य है, कोई भी राजनेता या कोई भी भारतीय क्यों विश्वास करे? नहीं, गवर्नर पे विश्वास करने का वो नहीं है, गवर्नर तो देखिए टीवी चैनल पे विश्वास नहीं कर सकते आजकल, जो खबर पढ़नी है आप न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़िए, वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़िए, गार्डियन में पढ़िए, वॉल स्ट्रीट जर्नल में पढ़िए, इक्के दुक्के हमारे डिजिटल चैनल से उनमें खबर आ रही है, बाकी जगह तो कुछ खास आ नहीं रहा है। पर जो मुख्य बात जो वो थी कि ये इसमें विपक्ष क्या कर रहा है, उसी को लेके विपक्ष को अपना कुछ ना कुछ, एक तो विपक्ष के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि अपनी विश्वसनीयता, वो अभी अगर कश्मीर के मामले में कर भी दें, कश्मीर में उस सबसे पहले डिस्कशन ये होगा किसी भी पार्टी में कि कश्मीर, एक तो कहेगा कि कश्मीर में हमारा स्टेक कुछ नहीं है, जो मेन पार्टी है जिसका कश्मीर में स्टेक है वो कहेगी कि वहाँ सीट कितनी है, हमें बाकी जगह देखना है। तो ये जब तक इन चीज़ों से उठ के आप अपनी विश्वसनीयता आम लोगों में नहीं स्थापित करेंगे तब तक आप किसी भी एजिटेशन को लीड नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल कुछ कह रहे थे, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पॉलिटिक्स में नहीं, नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती, वक्त के अनुसार नहीं चलना, वक्त से आगे चलना पड़ता है। मुझे बताएं, 5 साल से जो आज का सत्तारूढ़ दल है उन्हें क्या छोड़ा उनके लिए कहने न कहने, उन्होंने सब कह दिया, आप ये हैं वे हैं सब कुछ कह दिया उन्होंने, अब आपको डर किस बात का है? बिल्कुल, आखिरी सवाल मेरा अनुराधा से है, अनुराधा समय बहुत कम है, यदि भारतीय नेता विपक्ष के नेता कश्मीर में जाकर के अपने घरों में बंद जनता से मिलकर उसका हालचाल नहीं पूछते, उसके साथ दुख सुख नहीं करते, तो क्या कश्मीर के लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये विपक्ष वाले भी उन्हीं लोगों के साथ हैं जिन्होंने हमें घर में बंद किया है, जिन्होंने हमारी शादियां रुकवा दी, जिन्होंने हमारे बीमारों को अस्पताल नहीं जाने दिया, जिन्होंने कर्फ्यू लगाया है, यानी कि उनको वो अत्याचारियों के साथ खड़ा हुआ दिखेगी? देखिए, इसका इस बात का कहना मुश्किल है, जिस किस्म के हालात हैं, अगर विपक्ष के लोग चले भी जाते हैं, जैसे आपने बोला 20-30 भी चले जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाके धरना लगाते हैं, वो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिस किस्म के हालात बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, अरेस्ट हो जाए, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम जो है कश्मीर में आज वो हिरासत में है, शाह फैसल को भी TSA ने अरेस्ट कर लिया है, तो मुझे लगता है उनको इसके ये इस कश्मीर जाने के बजाय उनको दिल्ली में बैठकर मोबिलाइज करना चाहिए पब्लिक ओपिनियन, अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मुझे तो लगता है कम से कम कि आज से 50 साल पहले के हमारे विपक्षी नेता दबंग होते थे, हिम्मत वाले होते थे, जेल जाने से नहीं डरते थे, उसको एक क्वालिफिकेशन समझते थे, लेकिन आज बहुत जल्दी हार मारने वाले लोग विपक्ष के नेता बन के बैठे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए, आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।